यार मैं अभी अभी ऊपर आया और हमजा बैठा हुआ देख रहा है, और उसने बोला फौरन से वो देखो ये कर क्या रही है, और हमजा को ही शक हो रहा है अंडा दे रही है, पक्की बात है। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर इसका अंडा आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से दे दो। हाँ हमजा अंडा ही दे रही है, आजा 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 प्लीज, इसका अंडा आ जा यार, आजा आजा आजा। हमजा तुम तैयारी में लगे हो फौरन पे उठाना है। ना वो तोड़ना दे बेटा, मुझे भी डर है। तुम कैच कर लो हमजा, हाथ ले जाओ, माशाल्लाह। चलो भाई ये बड़े टाइट काम हो गया दोस्तों, ताजा ताजा अंडा हमारे पास आज आ गया, सुरखाब का भी माशाल्लाह भाई, पहला अंडा सुरखाब का आ गया हमारे पास भाई, पहला अंडा आ गया हमारे पास सुरखाब का माशाल्लाह यार, बड़ी खुशी हो रही है यकीन जानो। क्या करना है, सुखा लो पहले से, साफ कर लो, दे दो, मैं नीचे जाके रख देता हूँ सबसे पहले, इसको ख्याल करो, लिख के नहीं तो अभी तो रख दूं ना, अलग से लिख के रखना। चलो अभी रख लो, फिर ले चलो उसको नीचे। यार बड़ी खुशी हो रही है, सुरखाब का अंडा हमारे पास आ गया, और वो भी लाइव पहला अंडा आ गया, यस सुरखाब का अंडा आ गया। पहला अंडा आया और पहली बार ही दिया। One hour later. चलो भाई फिर से ऊपर आ गए, बड़े ऐसा लग रहा है ऐसे, पता नहीं हम कितनी देर के लिए नीचे गया था, धूप थी अभी और एकदम से बादल आ गया इतना। खैर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज हमारे, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सुरखाब ने पहला अंडा दिया, तकरीबन टाइम हो रहा था उस वक्त, हम ना 2 बज रहे थे ना, 2 या 3 दोपहर का टाइम था, अब तो खैर शाम हो गई, हम ऊपर आ गए। क्या बादल नहीं गरज रहे ऊपर उठ के, गरज रहे ओ भाई आसमान साफ है इधर, वो देखो किस साइड, अबे ये साइड तो मैंने, ये साइड नहीं देखा मैंने, ये इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे। लो भाई बादल आ गए अच्छे खासे, लेकिन हमदा छोटा टुकड़ा आगे की तरफ खाली लगा पड़ा, खाली लगा पड़ा, देखो इधर आगे कहाँ है, आगे ये आसमान है आगे की तरफ, ये बादल है वो देखो आगे, पूरा बादल है पीछे, अकलमंद है बैक साइड पे, चलो आने दो देखते हैं क्या करना है, बादल है तो बारिश होनी होगी तो भी हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात है हो गई तो गर्मी कम हो जाएगी। पसीने देख रहे हो अपने कैसे हाल बुरे हो रहे हैं, पसीनों में तर हो जाते हैं हम यहाँ पे, एक तो ये भी लगा हुआ है, और जाहिर सी बात है इनकी ऐसे ढकना पड़ता है, जब बारिश आएगी तो इनको बहुत मुश्किल होगी, और धूप से भी इनको बचाना पड़ता है। लोग मुझे अक्सर कमेंट में करते हैं कि यार आप ये चीजें हटाओ, ये इनको गर्मी से मर जाएंगे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ओ भाई अगर मैं ढकूं नहीं ना इन्हें तो ये धूप की गर्मी तपिश से वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे जो दिख रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है माशाल्लाह, देख लो आपके सामने सारे सब हेल्दी लगे पड़े हैं, हमें भी खबर है बावले नहीं है जो ऐसे हम पाल लें, सबको पता होता है क्या होता है, जिसके पास होते हैं उसे पता होता है कि कैसे केयर करनी है, बाकी जिसका नसीब में होता है वो चीज़ बचनी है, और नहीं जिसका नहीं है वो नहीं बचती भाई। खैर यार सुरखाब तुमने जो सरप्राइज दिया ना आज हमें, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, और दूसरा अंडा अब जल्द से जल्द दिलवाओ तुम, इसका एक अंडा हमदा ये तो नहीं निकालती ना अंडे पे, बैठती तो नहीं है ना, या बड़ी जगह पे, बड़ी जगह पे बैठे यार। हमने सच बताऊं ना सुरखाब नहीं पाले थे कभी, रैबिट नहीं पाले थे कभी, तो ये चीजें सीधी बात जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, रैबिट का एक्सपीरियंस हो गया कि क्या होता है कैसे पलते हैं कैसे बच्चे सब कुछ पता चल गया, सुरखाब का एक्सपीरियंस अभी बाकी है, और इसका हमें पता ही नहीं है कुड़क होती है क्या होती है, किसी के पता हो तो मुझे लाजमी कमेंट में बताए, तो हम देखेंगे क्या करना है। फिलहाल इसके एक अंडे को हम ब्रूडर में है ना, वो ब्रूडर बोल रहा हूँ क्या नाम है, कबूतर के नीचे रखोगे, चलो भाई फैसला भी कर लिया कबूतर के नीचे रखेंगे, अल्लाह करे यार निकाला इसका बच्चा, देखना है मैंने कभी देखा नहीं है इसका बच्चा कैसा होता है, छोटा कितना सा होता है क्या होता है, निकल आया तो हम हिलाएंगे उसको इंशाल्लाह, बहुत मजे आने वाले हैं इंशाल्लाह। ये करो तुम साफ करो, तो यार दोस्तों ये वाला पिंजरा जो है ना हम साफ कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं तो मैं बताता चलूं, वजह ये है कि कॉकटेल जो है ना उसने, मैंने आप लोगों को बताया था ना अंडे दिए हुए, तो उसकी कंफर्मेशन हो गई, हमने कल ही देख लिया था, ये कल व्लॉग नहीं आया था, परसों व्लॉग नहीं आया था मेरा, तो फिर हमने इसके अंदर झांका था उसी दिन, तो हमदा ने बोला अंडे इसने कंफर्म दिए हैं, और ये बैठी हुई थी तो इस वजह से, और देखें अभी भी चली गई, ये नर बैठा हुआ है मादी अंदर गई हुई है, तो उसने कंफर्म अंडे दिए हैं, और ये बच्चे जो है ना अंडे ख़राब करवा देंगे, तो इस वजह से आज हम इनको ना शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, पकड़ लोगे भाई, उड़ा मत देना यार, बोलाऊ कुर्सी सर भाई इसको कुर्सी दो, कुर्सी पे रख के पकड़ेगा ऐसे हाथ ही नहीं लगेगा, कुर्सी ले लो, चलो देख लो।
हमने काट तो बहुत गंदा है, मैं अभी बता रहा हूँ। इसकी पकड़ इतनी तेज होती है, ये गोश्त निकाल देता है, इतनी खतरनाक पकड़ होती है। खास तौर पे इसकी बजिश काटते हैं वो भी छुड़वा लेते हैं, उनकी भी तेज होती है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा होती है। हाँ यही है, यही है। अबे कितना भाई है अनम्मा, ये भी मादा है। चलो भाई डाल दो, छोड़ दे, थोड़ी हटी जा, थोड़ी परेशान तो होंगे ना। बस यही छोटा सा काम था हमारा जो आज हो गया मुकम्मल। अरे इतने से काम को करने के चक्कर में इतना टाइम लग गया। ये कैरी तुमने डाली अंदर? हाँ भाई। तो भाई फाइनली ये होगा, इससे अपसेट है। अब वो वाले जो अंडे उनमें से देखते हैं बच्चे निकलते हैं, वो खराब हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने ना बहुत छेड़छाड़ करी है उनके साथ। ए चुप हो जाओ यार, चुप भाई। 1 लाख वाला जानवर हमारा, क्योंकि बाईपास पे हम कल गए थे और मंडी में हमारे को सबसे सस्ता, और मुझे लग रहा आगे वक्तों में कुछ अरसे बाद, समझ रहे हो, यही जेबा हो रहे होंगे। बकराईद पे जैसी हालत हो गई है मंडियों की भाई। तो भाई ये रहा वो 1 लाख वाला जानवर हमारा, कैसा लगा सच बताना है? हंसी तो नहीं आई होगी मुझे पता, ठंडी है थोड़ी, लेकिन रख लो। तो यार ये वो अत्तर भाई ने ले लिया था, ये बच्चा है अभी अभी, इसका पता नहीं चल रहा मैं जेंडर का, जेंडर कंफर्म कर लेंगे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जब ये थोड़ा बड़ा होगा। मुझे जेंडर का बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो रहा। हमजा मुर्गा लग रहा है, मुर्गी है यार, नहीं हो रहा। है ना, अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा ये मुर्गा या मुर्गी है, लेकिन बहुत अच्छे मुनासिब पैसों में अत्तर भाई को ये बच्चा मिल गया था, तो उन्होंने उठा लिया, बोला रख लेंगे, जब सारे रखे में इसको भी रख लेंगे। नस्ल अच्छी है, आंखों में बहुत प्यारा है, तो बड़े होके देखते हैं कि क्या निकलता क्या नहीं, लेकिन ये रहेगा भी इधर ही। बेचे सेल आउट का तो नहीं है ना, ये सेल आउट का तो नहीं है ना, अभी कोई मूड नहीं है, इंशाल्लाह देखते हैं इसको रखेंगे। बाकी वो 1 लाख वाला जानवर यही था जिसके हम तफरियां कर रहे थे आप लोगों से, मजाक मस्ती में। एक बाय बाय करो, बारिश हो रही, बारिश हो रही, जल्दी जल्दी जाओ यार। काफी अच्छा खासा मौसम ना, बहुत खूबसूरत हो गया यकीन जानो। ये देखें बूंदे पड़ी हैं, दिख रही हैं दोस्तों, सारी बूंदे पड़ना शुरू हो गई हैं। और ये जो बादल आया ना, ये बरस रहा है उस तरफ भी, ये सारा का सारा पूरा ढक गया है। काली घटा है, अब ये काली घटा कितनी देर तक रहती है ये हम देखते हैं। बाकी ये मोटी मोटी बूंदे बरस रही हैं बस, उसके अलावा ज्यादा नहीं हो रही तेज बारिश, हल्की फुल्की बूंदे। हमने इसको हटाना है या नहीं, आए रखे हमने, ज्यादा नहीं हो रही तेज, बाकी हवा चल गई है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इतना मौसम जो होता ना सही रहता, हवा हवा ले जाएगी, हवा ले जाएगी। हैदराबाद में ये होता है, हवा आती है और सारा बादल ले जाती है साथ। अब देखते हैं बारिश रुकती है नहीं रुकती है, बाकी धूप और बारिश दोनों एक साथ निकले हुए आज, दोनों एक साथ खोली हुई है मादियाँ। कौन सी हैं, कंधारी है ना, कंधारी एक तो गंजी बेचारी एक वो, और बाकी उसकी जो रिपोर्ट है ना, जो हमारी अंडों में बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट मैं तुम लोगों को कल देता हूँ कि उसका क्या है, बच्चा निकलने वाला है या नहीं, तो वो देखते हैं हमें सरप्राइज मिलता है नहीं। मैंने वाकई में कसम से अभी तक नहीं देखा उसे कि उसका क्या है क्या नहीं, उसको पता हो तो पता हो, क्योंकि भाई देखता रहता है हमजा, तो मैंने तो नहीं देखा भाई, तो मैं और आप लोग कल मिलकर देखेंगे। बाकी दोस्तों एक और चीज़ बताता चलूँ कि हो सकता है, कि हो सकता नहीं है बल्कि मेरा पूरा इरादा बन गया है कि मैं एक और चैनल खोल रहा हूँ। तो वो चैनल जो होगा डेली लाइफ के हिसाब से होगा, मेरी भाइयों की, तो वो एक तरीके से पूरा कंटेंट जो होगा ना उसमें, वो हमारा होगा, एंटरटेनमेंट कंटेंट होगा इंशाल्लाह, जितना हो सकेगा आप लोगों को देने की हम कोशिश करेंगे डेली लाइफ के हिसाब से, और भी बहुत सी चीज़ें उसमें दिखाएंगे, अभी से नहीं बताऊंगा क्या होगा, पर उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा कम्युनिटी में। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को मेरे लाजमी फॉलो करना, जब मैं डाल दूंगा तो आप लोगों को वैसे ही दिख जाएगा। अभी तक चैनल बना नहीं है और मैंने पूरा पहले डिसाइड करना है, भाई वगैरह को बनाना है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह बन जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन कल परसों या तरसों में इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा वो चैनल। और जिस दिन मैं बनाऊंगा ना उस दिन इस वाले चैनल पर व्लॉग में भी बता दूंगा और कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। खैर तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। पसंद आया ना 1 लाख वाला जानवर हमारा?